So guys, बहुत दिनों बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ गांधी मैदान। So guys, मैं पहुंच चुका हूँ गांधी मैदान और यहाँ का भाई टोटली सीन चेंज हो चुका है। यहाँ पे मेट्रो का पूरा काम चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप उस साइड में पूरा मेट्रो का काम चल रहा है, यानी कि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है और डबल डेकर का भी काम चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का चौराहा भी, मैं यहाँ पे चौराहा पे हूँ और यहाँ का पूरा सीन दिखाता हूँ और फिर चलेंगे गेट नंबर 5 के पास, वहाँ पे प्रिंस वेट कर रहा है। तो अब देख लो यहाँ का पूरा सीन, जो नॉर्मल था पहले वही है, बट अभी एक चेंज देखने को मिला है। यहाँ पे पूरा मेट्रो का काम चल रहा है, इस लाइन में पूरा मेट्रो का काम चल रहा है। अभी जाऊंगा मैं वहाँ पे गेट नंबर 5 के पास। हालांकि नॉर्मली ऑटो वाला जब उधर से आते हो अब तो उधर उतारता है, इस बार मुझे यहाँ पे उतार दिया, तो चल के मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ। तो प्रिंस मेरा वेट कर रहा है गेट नंबर 5 के पास और देखते हैं उससे मिलेंगे, थोड़ा सा रील्स वगैरह बनाएंगे, थोड़ा फोटो वगैरह खींचेंगे, मतलब थोड़ा आए थोड़ा घूम लेंगे और फिर जाएंगे वापस। जय माँ। पहुंच चुके हैं गेट नंबर 5 के पास और देखते हैं प्रिंस किधर है। ये देखो साइकिल से ही आ गया, ये बिहारी आदमी इतना चल रहा है। सही है सही है, ये सब ट्रेनिंग वाला है ना। ये देखो बहुत भीड़ है यार, मतलब यहाँ पे लोग कैसे खेलता होगा 6 रन 4 रन क्रिकेट। ये देखो मतलब जिधर देखो उधर ही भीड़ है। सीट ऊपर कर, सीट ऊपर कर लीजिए। ठीक है ऐसे हो जाएगा, हाथी से हो जाएगा, ऊपर हाथी से ऊपर हो जाएगा। सही है, नॉर्मल है। चलिए तब। तो गाइस बहुत दिनों बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ गांधी मैदान में, आप देख सकते हो मजा आ रहा है यार साइकिल चलाने में। साइकिल हम कभी चलाए ही नहीं है, बहुत दिन हो गया साइकिल चलाए। मजा आ रहा है यार। गाइस फैन पार्क है, यहाँ पे टीवी फुलाया जा रहा है अभी, और आई थिंक और कुछ नहीं है, प्रोजेक्टर टाइप का ही है ना। करंट ऑफ बिहार। अच्छा इसमें रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट ऑफ बिहार है ना, शीशा वाला जो है वही तो है, शीशा वाला दिख रहा है नीचे में। अच्छा वो है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वो जो शीशा वाला है। तो ये है विश्वमान भवन, आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, होटल मौर्या ये वाला है। तो गाइस देख सकते हो आप, ये टीवी तैयार हो गया है और रात में इसका देखने का मजा ही अलग होगा। मैच वगैरह चलता होगा ना तो बहुत मजा आता होगा, यहाँ पे नहीं लगता होगा 3D में देख रहे हैं एकदम।